तो चलिए फिर से प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, अकबर ने सभी धर्मों के लिए एक इबादत खाने का निर्माण कब किया था? दूसरा प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? और तीसरा प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? चौथा प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? पांचवा प्रश्न, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में क्या नाम अंकित है? छठा प्रश्न, चौथ एक प्रकार का कर था जिसे कौन वसूलते थे, वो कौन लोग थे? सातवां प्रश्न, सरदेशमुखी उपज का कितना भाग वसूला जाता था? और आठवां प्रश्न, जहाज निर्माण और जलयान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? और नवा प्रश्न, टीटलगढ़ किस काम के लिए प्रसिद्ध है? टीटलगढ़। और दसवां और अंतिम प्रश्न, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहरहाल आप लोग इसका उत्तर करें और नेक्स्ट में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं, पहले आंसर किया करते थे, बीच में छोड़ देते हैं, फिर कभी मन करता है तो आंसर करते हैं, इस पैटर्न को कंटिन्यू करें। मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को, पूछिए उनसे कि आप उत्तर क्यों नहीं कर रहे, आप इसका उत्तर कीजिए। उत्तर करने से अगर आप 5 क्वेश्चन जानते हैं, 6 जानते हैं, तो 4 क्यों नहीं जानते हैं। एक दूसरे को आप मोटिवेट कीजिए और उनसे आप पूछिए, उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए कि ये क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तुम। उससे क्या होगा, वो भी आपको कहेगा, तो आप दोनों के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। हो सकता है आपको कभी सुस्ती हो जाती है, उनको हो जाती है, और सुस्ती क्या है, जब लंबी अवधि तक होती रहती है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर लगता है उनको कि चलो रहने तो बाद में कर लेंगे। तो जब आप एक दूसरे को जगाते रहेंगे तो आप यकीन मानिए, ये 2-4 क्वेश्चन, 2-4 नहीं समझिए, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है एग्जाम के पॉइंट से। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। पहला प्रश्न आपके सामने ये, भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? चलिए दूसरा प्रश्न, हेरोइन जो एक अचेतनात्मक दवा है, अनकॉन्शस करने की मेडिसिन है, इसका स्रोत क्या है? तीसरा प्रश्न, कुनैन का स्रोत क्या है? और चौथा प्रश्न, पेंसिलिन क्या है, किससे बनता है? और पांचवा प्रश्न,
तुलसीदास किसके समकालीन थे? और छठा प्रश्न, पार्वती मंगल किसकी पुस्तक है? और सातवां प्रश्न, सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? और आठवां प्रश्न काफी आता है, ये सब आए हुए प्रश्न हैं। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, किस लेयर में? और नवा प्रश्न, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बरकरी। और दसवां प्रश्न, कौन से मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार थे? तो ये रहा आपका 10 प्रश्न। और आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, स्टूडेंट से पूछिए दोस्तों से, आप उत्तर क्यों नहीं कर रहे, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करो। अगर आपको दो ही आता है दो का उत्तर करो, चार आता है चार का ही उत्तर करो, नेक्स्ट टाइम में आप प्रोग्रेस करो। इसको जब आप दूसरी बार देखो तो आप अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दो, आप बार बार इसको सुनो और अपने दिमाग में आंसर लाने की कोशिश करो। थैंक यू। फिर प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां अवस्थित है? और दूसरा प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहां किया जाता है? तीसरा प्रश्न, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? और चौथा प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? और पांचवा प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? और छठा प्रश्न, करनाल कहां अवस्थित है? जगह का नाम है करनाल, मशहूर है आप जानते हैं। और सातवां प्रश्न, शिकारपुर कहां अवस्थित है? आठवां प्रश्न, वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? और नवां प्रश्न, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? और दसवां प्रश्न, आंगनबाड़ी स्कीम किसके अंतर्गत आता है? आंगनबाड़ी स्कीम किसके अंतर्गत यह कार्यक्रम है? तो ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है।
और आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, आप अपनी टीम को पूछिए कि आप आज का प्रश्न का उत्तर किया कि नहीं किया, नहीं किया तो आप उत्तर कर लें, और उनको जगाइए ताकि वो भी आपको जगाएं, एक दूसरे को जगाते, जब आप दूसरों को जगाएंगे, सपोज आप जागे हुए हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद डेवलप होगी, जब आप दूसरों को बोल रहे हैं तो आप भी उत्तर करेंगे, और आप इसका उत्तर 100% करें। पहली बार में अगर 2-3 गलत भी होता है तो दूसरी बार में, और बार बार रिवीजन करके अपना टेस्ट भी करें। थैंक यू।